तो अगर आप हॉरर जॉनर का फैन हो गए तो ऑब्वियसली आप कॉन्जरिंग यूनिवर्स का भी फैन हो गए। ये बिल्कुल मार्वल यूनिवर्स के जैसा है। मूवीज स्टोरी के हिसाब से ऊपर नीचे रिलीज हुई हैं। सो मैं आज कॉन्जरिंग यूनिवर्स की पूरी टाइमलाइन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि स्टोरी आखिर कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ से खत्म। वैसे अभी खत्म नहीं हुई, 2021 में अभी और मूवीज आने वाली हैं। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी और वीडियोज आप मिस ना कर सको। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप कॉम एंड लिसन टू मी। तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से इन सारे भूतिया इवेंट्स की शुरुआत हुई थी द नन मूवी से। इस मूवी की टाइमलाइन बैठती है जाके सन 1952 में, बोले तो ईयर 1952 में। यहाँ से शुरू हुई थी असली हॉरर स्टोरी, जब बहुत टाइम पहले रोमानिया में सेंट कार्टा की एक एबी में एक प्रीस्ट रहता था, बट वो एक्चुअली में गॉड की वर्शिप की बजाय डीमन से प्रे करता था और उसने वैलक नाम के एक डीमन को हेल से जगा दिया था। और वैलक को माइथोलॉजी के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ हेल भी बोलते हैं। और उसके तबाही मचाने से पहले ही रोमानिया के लोकल कैथोलिक ग्रुप ने आके इसको रोक लिया था और जीसस क्राइस्ट के ब्लड का यूज करके इसको वापस किसी तरह हेल में भेज दिया था, जहां पर वो सेंचुरीज तक फंसा रहा। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर टू के टाइम ये चर्च बॉम्ब ब्लास्ट से डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वैलक वापस से जग जाता है और फिर तबाही मचाने लगता है। एंड FYI, वैलक को ही द नन बोलते हैं क्योंकि इसने यहाँ एक रह रही नन का फॉर्म ले लिया था। और फिर चर्च में हो रही स्ट्रेंज और डरावनी चीजों की वजह से फादर बर्क्स एंड सिस्टर आइरीन को यहाँ भेजा जाता है और ये फर्स्ट टाइम वैलक के कॉन्टेक्ट में आते हैं। बट फाइनली यहीं के एक लोकल रह रहे आदमी फ्रेंची की हेल्प लेके और जीसस क्राइस्ट के ब्लड का यूज करके ये तीनों फिर से वैलक को हेल में वापस भेज देते हैं। बट वैलक उर्फ नन अपनी सुपर नेचुरल पावर्स का यूज करके फ्रेंची की बॉडी को पजस करती है और रोमानिया से बाहर निकल जाती है। और यहाँ से वेलकम होता है एनेबल का। इसकी शुरुआत हुई थी एनेबल क्रिएशन से। इसकी टाइमलाइन बैठती है जाके सन 1943 में, बोले तो ईयर 1943 में, जब एक डॉल बनाने वाले आदमी सैमुअल मलिंग्स और इसकी वाइफ एस्थर मलिंग्स के सामने उनकी 7 साल की बेटी एक एक्सीडेंट में मर जाती है। इसका नेम था एनेबल। सो मिस्टर एंड मिसेस मलिंग्स सोचते हैं कि डार्क मैजिक का यूज करके ये अपनी बेटी की स्पिरिट को वापस ले आएंगे, बट एक डीमन इनको बेवकूफ बना देता है और मिस्टर मलिंग्स के द्वारा ही बनाई गई एक डॉल में रहने लगता है। एंड FYI, इस डॉल को ही एनेबल बोलते हैं क्योंकि ये बनाई गई थी मलिंस की डॉटर के लिए जिसका नेम था एनेबल, बट इसमें रहने लगता है वो ईवल डीमन। सो मिस्टर एंड मिसेस मलिंस इस डीमन से छुटकारा पाने के लिए प्रीस से हेल्प लेके एनेबल डॉल को लॉक करके रख देते हैं, जिससे वो डीमन भी उसी डोर के अंदर लॉक हो जाता है। बट फिर 12 साल बाद मिस्टर एंड मिसेस मलिंस अपने घर में ऑर्फनेज गर्ल्स और एक केयर टेकर नन सिस्टर शॉर्लेट को रहने की जगह देते हैं। और ये सिस्टर शॉर्लेट उसी सेंट कार्टा की मोनेस्ट्री से आई थी जहां पर वैलक डीमन रहता था रोमानिया में। इसके पास वहां की फोटो भी थी जिसमें से एक वही नन थी जिसको वैलक पोजेस कर लेता है। खैर कुछ टाइम बाद वहां पर एक लड़की थी जिसका नेम था जेनिस, ये उसी लॉक डोर को ओपन कर देती है जिसमें एनेबल थी, मतलब इसने उस डीमन को आजाद कर दिया जो एनेबल के अंदर था। और लास्ट में वो डीमन एनेबल डॉल को छोड़कर उसी लड़की जेनिस को पोजेस कर लेता है और जेनिस इस जगह से निकल जाती है और अपना नेम चेंज करके एनेबल रख लेती है और इसको कैलिफोर्निया में एक हगिंस फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। और फिर कुछ टाइम वहां रहने के बाद ये घर छोड़ के भाग जाती है और एक कल्ट ज्वाइन कर लेती है। बट बहुत टाइम बाद ये वापस अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के यहाँ आती है और उन दोनों का मर्डर कर देती है। और यहाँ से एनेबल मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है। इसकी टाइमलाइन बैठती है सन 1967 में, बोले तो ईयर 1967 में। यहाँ पर एक कपल दिखाते हैं, जॉन एंड मिया, जिसमें जॉन अपनी वाइफ मिया को एक डॉल गिफ्ट करता है, एनेबल डॉल, हालांकि इस टाइम ये नॉर्मल डॉल होती है। और ये लोग जहाँ रहते हैं, अनलकली इनके घर के जस्ट बगल वाला घर उन्हीं हगिंस का घर होता है जिनको अभी उनके अडॉप्टेड बेटी जेनिस उर्फ एनेबल आके मार डालती है। और अगर आपको याद होगा, उस एनेबल लड़की को उस डीमन ने पोजेस करके रखा था बचपन से, तो वो लड़की अपना गला काट देती है और उसके अंदर का डीमन मिया के एनेबल डॉल में आ जाता है, मतलब ये फिर से क्रीपी हॉन्टेड एनेबल डॉल बन जाती है। और डीमन का अब टारगेट होता है कि अब ये मिया को पजेस करना चाहता है, उसकी सोल को, बट मिया की दोस्त मिया की सोल की जगह अपनी सोल को ट्रेड कर देती है और मिया बच जाती है और हैप्पीली लाइफ बिताती है। बट यहाँ से मिस्टीरियसली एनेबल गायब हो जाती है और फिर एक एंटीक शॉप में दिखती है जहाँ एक ओल्ड लेडी इस एनेबल डॉल को खरीद लेती है और अपनी बेटी जिसका नेम था डेबी उसको गिफ्ट कर देती है। डेबी एक नर्स होती है और इसके पास अब एनेबल डॉल होती है, तो ऑब्वियसली डॉल का डीमन इसको हॉन्ट करने लगता है। सो यहाँ से ये डॉल ले जाते हैं वॉरेंस। तो अब आते हैं वॉरेंस पे। सो जिस टाइम 1957 में वैलक वाला सीन हुआ था रोमानिया में, उस टाइम एड वॉरेन एंड इसकी वाइफ लॉरेन वॉरेन, इन दोनों ने इंग्लैंड में पैरानॉर्मल साइकिक रिसर्च ओपन कर ली थी और फिर बहुत सारे पैरानॉर्मल चीजों से इनका पाला पड़ा था और ये सारी डिमोनिक प्रेजेंस वाली चीजें अपने घर में एक लॉक्ड रूम में रखते थे आकर, शोरूम ऑफ हॉन्टेड आइटम्स। और कुछ र्यूमर्स और थ्योरी का ये भी कहना है कि रोमानिया की जो सिस्टर आइरीन थी वो एक्चुअली में लॉरेन वॉरेन है, मतलब इसका पास्ट है। ये बस एक फैन थ्योरी है, इसका कोई लेजिट प्रूफ नहीं है। और यहाँ से स्टोरी कंटिन्यू होती है एनेबल
कम्स होम में ये टाइमलाइन बैठती है सन 1971 बोले तो ईयर 1971 में, जब वॉरेंस उस एनेबल डॉल को अपने घर में लाकर बंद कर देते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं। सो इस टाइम इनके घर में इनकी बेटी जूडी होती है और इसकी बेबी सिटर मैरी उसकी दोस्त होती है। बट ये लोग एनेबल को रिलीज कर देते हैं और घर में काफी अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि घर में और भी बहुत सारे हॉन्टेड आइटम्स थे। बट लास्ट में ये तीनों सब सेटल कर देते हैं, अगेन एनेबल को उस लॉग मिरर केज में बंद कर देते हैं। देन यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है द कॉन्जरिंग की। ये टाइमलाइन बैठती है सन 1972 में बोले तो ईयर 1972 में। वॉरेंस लोगों को डिमोनोलॉजी के बारे में एक वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे होते हैं और लेक्चर में ये क्लिप दिखाते हैं जिसमें एक पजस्ड आदमी होता है मॉरिस नाम का और ये अपनी वाइफ को शूट करके फिर अपने आप को मार डालता है। और ये मॉरिस कोई और नहीं वो फ्रेंची होता है जो 1950s में रोमानिया में वेलक से लड़ रहा था, बट फिर वेलक इसको पजस करके इसके घर में घुस गया। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बिहाइंड द सीन पार्ट है, जब ये वॉरेंस अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे थे लेक्चर दे रहे थे तब फ्रंट रो में एक्चुअली में रियल वाली लोरेन वॉरेन बैठी होती है। आपको पता ही होगा कॉन्जरिंग वॉरेन के रियल केस पे बेस्ड है, इसीलिए मिसेस वॉरेन वहां थी, इनको भी सेट पे बुलाया गया था। तो कॉन्जरिंग यूनिवर्स के ऐसे बहुत से फैक्ट्स हैं, उनके लिए एक अलग वीडियो बन जाएगी। खैर बैक टू द स्टोरी, वॉरेंस के इस लेक्चर को एक लेडी अटेंड कर रही थी जिसका नेम था कैरोलिन। ये रिसेंट में न्यू घर में आती है बट इसके घर में इनकी पूरी फैमिली को इविल स्पिरिट बहुत बुरी तरह हॉन्ट कर रही होती है। सो कैरोलिन वॉरेंस से हेल्प मांगती है और वॉरेंस इनके घर में आके डिस्कवर करते हैं ये जिस घर में रह रही है वहाँ बहुत टाइम पहले एक विच रहती थी, इसका नेम था बेथशीबा। उसकी इविल स्पिरिट यहाँ पर रह रही फैमिली को हॉन्ट कर रही होती है और लास्ट में ये विच कैरोलिन को पजेस कर लेती है। बट वॉरेंस टाइम पे यहाँ आ जाते हैं और अपना जादू टोना करके विच को यहाँ से भगा देते हैं और इस फैमिली में सब बच जाते हैं और इनकी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। देन यहाँ से पैदा होती है ला इरोना। FYI इसी को वीपिंग वुमेन भी बोलते हैं। ये टाइमलाइन बैठती है जाके सन 1973 बोले तो ईयर 1973 में। 16th सेंचुरी में मेक्सिको में एक मदर अपने बच्चों को डुबा के मार देती है देन खुद भी मर जाती है। देन वीपिंग वुमेन का कर्स स्टार्ट हो जाता है। और 1973 में एक लेडी एना टेट ग्रासिया, ये एक सोशल वर्कर होती है और ये एक लेडी के बच्चों को पुलिस के पास ले जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली उस लेडी को ला इरोना हॉन्ट कर रही थी, सो अब उस लेडी से ला इरोना एना टेट पे और इसके बच्चों के पीछे पड़ जाती है और इनको मारने का ट्राई करने लगती है। यही वीपिंग वुमेन का कर्स होता है। बट एना टेट एनाबेल वाले प्रीस्ट फादर परेस से हेल्प मांगती है। यही एक कनेक्शन है जो इस मूवी को कॉन्जरिंग यूनिवर्स से जोड़ता है। सो फादर परेस एक लोकल प्रीस्ट से इनको मिलवाते हैं और वो प्रीस्ट इस फैमिली की हेल्प करता है और फाइनली वो ला इरोना को मार भी देता है, उसके कर्ज को तोड़ देता है और ये फैमिली भी बच जाती है। और यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है कॉन्जरिंग 2 की। इसकी टाइमलाइन बैठती है जाके सन 1976 में बोले तो ईयर 1976 में। यहाँ पर रोमानिया वाले वेलक की वापस एंट्री होती है जब वॉरेंस एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं हेमिट वैले में। देन यहाँ लोरेन को अपने हस्बैंड एड के डेथ के विजन आते हैं और वेलक को भी ये पहली बार अपने विजन में देखती है। इस टाइम वॉरेंस को कोई आइडिया नहीं था कि नन कौन है, ये सिर्फ इनके लिए द नन होती है। मीनवाइल इनफील्ड इंग्लैंड में एक फैमिली होती है जिसमें एक मदर होती है सिंगल मदर पैगी हॉडजन और उसके चार बच्चे होते हैं और इनको कोई इविल एंटिटी हॉन्ट कर रही होती है लाइक कॉन्जरिंग 1। और वॉरेंस एज यूजुअल इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को देख के इनकी हेल्प करने यहाँ आ जाते हैं। बट थोड़े टाइम बाद इनको पता चलता है कि वो फैमिली फेक थी, वो सिर्फ फेम के लिए दिखा रही थी कि उनके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। सो वॉरेंस यहाँ से जाने लगते हैं बट फिर लॉरेन को रियलाइज होता है एक्चुअली में इन सब के पीछे वेलक का हाथ है। सो वॉरेंस अगेन फैमिली को बचाने जाते हैं और इस टाइम एड ऊपर से गिर के मरने वाला होता है, मतलब लॉरेन को अब अकेले वेलक से फेस टू फेस आना पड़ता है। बट ये जीत जाती है, ये उसका ओरिजिनल नेम वेलक बोल के उसको वापस हेल में भेज देती है। और यहाँ से इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है, बट शायद नहीं भी, क्योंकि रूमर्स के हिसाब से यहाँ से अब क्रूक्ड मैन आएगा जिसको कॉन्जरिंग 2 में एक जगह फीचर किया गया है। और जियोट्रोप जो हडसन फैमिली की सबसे छोटे लड़के के पास था वो हॉन्टेड होता है। खैर यहाँ तक थी अभी तक की टाइमलाइन कॉन्जरिंग यूनिवर्स की। इसके आगे अभी और मूवीज आने वाली हैं इस फ्रेंचाइज में। सबसे पहले जून में कॉन्जरिंग 3 द डेविल मेड मी डू इट। इसमें थोड़ा अलग सीन होगा, इस बार कोई हॉन्टेड हाउस वाला सीन नहीं होगा, वेयरवुल्फ को लाया जा रहा है कॉन्जरिंग यूनिवर्स में। और देन जो मैंने बताया अभी द क्रूक्ड मैन, ये भी मूवी आने वाली है। देन द नन 2, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है बट रूमर्स के हिसाब से नन पार्ट 1 में जब लास्ट में नन मर गई थी, मतलब वेलक को वापस हेल भेज दिया गया था, तो फिर लगभग 20 साल बाद कॉन्जरिंग 2 में वेलक वापस कहां से आया। बस इस बीच की स्टोरी को नन पार्ट 2 में दिखाया जा सकता है और शायद नहीं भी। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।